हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, और ये मेरा सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि SQL आखिर है क्या। आज हम लोग सीखेंगे कि SQL के सिंटेक्स क्या हैं, इसके डेटा टाइप क्या हैं, और ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, उनकी बात आज के इस वीडियो में होनी है। देखिए, सिंटेक्स की अगर बात कर ली जाए तो हमारा जो SQL है, इसमें अगर आप कोडिंग करेंगे तो उस कोडिंग के लिए भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें लेके चलना होता है। तो इसमें सबसे पहला रूल ये है कि वैसे तो SQL केस सेंसेटिव लैंग्वेज नहीं है, मानी इसके जो कोड हैं उन्हें आप लोअर केस अपर केस किसी में भी लिख सकते हैं, पर बेस्ट तरीका होगा कि आपके SQL के जितने भी कीवर्ड्स हैं, कोड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं, उन्हें आप अपर केस में लिखें। अपर केस में लिखने से ये होता है कि हमें या कोई दूसरा उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ये कीवर्ड है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने SQL के कोड को, खासकर कीवर्ड्स को, अपर केस में लिखें। SQL स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइन, माने SQL के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको जब हम लोग लिखते हैं तो लाइन एक बनती है और वो टेक्स्ट की लाइन बनती है। और वी कैन प्लेस ए सिंगल SQL स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन, माने हम एक ही लाइन में ही पूरे कोड को लिख सकते हैं, या हम चाहें तो कई लाइनों को मिक्सअप करके किसी एक SQL स्टेटमेंट का निर्माण कर सकते हैं। SQL स्टेटमेंट क्या होता है ये जाना जाए तो SQL स्टेटमेंट्स आर स्टार्टेड विथ एनी ऑफ द SQL कमांड्स या कीवर्ड। यानी जब भी आप SQL के स्टेटमेंट को लिखना प्रारंभ करेंगे तो जो भी हमारे SQL के कमांड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, हमें उनसे उन्हें स्टार्ट करना होगा। उदाहरण के रूप में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप या ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, हमें शुरुआत स्टेटमेंट की इन्हीं से ही करनी होगी, और इनके लास्ट में हमें सेमी कॉलन का निशान लगाना होता है। सेमी कॉलन का निशान ये इंडिकेट करता है कि अब आपका SQL का जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है, और जब सेमी कॉलन के बाद आप इंटर करते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। ये इसका सिंटेक्स है। एक जैसे सेलेक्ट कमांड है उसको लिखा गया है और लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया गया है। जब आप सेमी कॉलन लगा लेते हैं तो इसका मतलब आपका SQL का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बात आता है कि हमें सेमी कॉलन लगाने की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो देखिए, जब आप कोई SQL के कोड लिखेंगे तो वो कोड एक लाइन या एक से अधिक लाइन हो जाएगा, तो आखिर ये कैसे पता चले कि हमारा स्टेटमेंट एंड हुआ कि नहीं हुआ। तो जहां हम लोग सेमी कॉलन का निशान लगा देते हैं, दैट मीन्स वहां हमारे SQL को ये मैसेज आता है कि आपका स्टेटमेंट अभी कंप्लीट हो गया है और उसे एग्जीक्यूट होना है, इसलिए हमें मस्ट होता है कि हम लोग सेमीकॉलन का निशान लगाने का काम करते हैं। भाई, ऐसे कोई क्वेरी लिखी आ रही है तो क्वेरी बड़ी है तो दो तीन लाइनें उसमें आ जाएंगी, तो जब क्वेरी इंड हो रही हो, चाहे वो सिंगल लाइन में हो या एक से ज़्यादा लाइनें की हो, तो हमें लास्ट में सेमीकॉलन का निशान से उसे टर्मिनेट करना पड़ता है। अब हमारा जो SQL है इसमें भी डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग SQL के मदद से टेबल बनाएंगे तो हमारे टेबल में बहुत सारे कॉलम होंगे और उन कॉलम में हम लोग बहुत सारे डेटा को रखेंगे, तो आपको ये बताना होता है कि किस कॉलम में हम किस प्रकार के डेटा को स्टोर कराएंगे, उसके लिए हम लोग डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हमारे डेटा टाइप को तीन में वर्गीकृत किया गया है। एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक न्यूमेरिक टाइप का होगा, और एक डेट एंड टाइम करके होगा। तो ये तीन इसके मेजर कैटेगरी हैं हमारे डेटा टाइप के। अगर हम बात करें कि डेटा टाइप में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो देखिए, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि SQL को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक RDBMS के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं। तो होता क्या है कि SQL का इम्प्लीमेंटेशन हम किसी भी डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर में करेंगे, बस थोड़ा फर्क ये होता है कि किसी में डेटा टाइप कुछ अलग होते हैं, किसी में डेटा टाइप अलग होते हैं, उनको लिखने का तरीका, उनका जो सिंटेक्स है थोड़ा बदल जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप MySQL में काम कर रहे हैं
तो उसके अगर डेटा टाइप की बात करी जाए तो स्ट्रिंग के अंतर्गत फिलहाल ये तीन डेटा टाइप की मैंने बात की है, और भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं पर मैंने फिलहाल उनकी चर्चा की है जिन्हें हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। तो एक कैर करके होगा, एक वैर करके होगा और एक टेक्स्ट करके होगा। कैर या वैर कैर जो होंगे इनमें हम लोग स्ट्रिंग माने ग्रुप ऑफ करेक्टर्स कांस्टेंट को स्टोर करते हैं। अगर कैर लिया है तो आप 255 करेक्टर्स तक इसमें स्टोर कर पाएंगे, और अगर आपको इससे ज़्यादा साइज चाहिए तो उसके लिए हमें वैर कैर का उपयोग करना होगा। और वही जो टेक्स्ट है वो जस्ट लाइक कैर ही है, तो चाहे आप कैर डेटा टाइप यूज करिए या टेक्स्ट यूज करिए, दोनों का लेंथ सेम है। पर अगर 255 से ज़्यादा हमें करेक्टर्स इंसर्ट कराने हुए तो उस स्थिति में हमें वैर कैर का प्रयोग करना होगा। अगर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ी लिस्ट है, पर फिलहाल मैंने तीन डेटा टाइप की बात की है, इंट और इंटीजर। तो इंट या इंटीजर जो होते हैं इनमें हम लोग 0 से 9 तक डिजिट्स को स्टोर करते हैं, और कोई फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल प्लेसेस का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो इंट है इसकी जो साइज है, रेंज है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इसमें स्टोर कर पाएंगे, और इंट का ही सब्स्टिट्यूट आपको इंटीजर मिलेगा। और अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए माने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, ऐसे रुपये पैसे की बात आ रही है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। अब अगर डेट एंड टाइम में देखा जाए तो एक डेट होगा जिसका फॉर्मेट ये है और इसका रेंज ये है, एक डेट एंड टाइम होगा जिसमें हम डेट एंड टाइम दोनों स्टोर कर सकते हैं, और एक केवल टाइम करके होगा और केवल एक ईयर करके होगा। तो फिलहाल ये वो कॉमन डेटा टाइप हैं जो हम लोग यूज करेंगे MySQL में। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखिए ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका बहुत अहम रोल होता है जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं। तो SQL स्टेटमेंट जनरली कंटेन्स सम रिजर्व वर्ड और करेक्टर्स, माने SQL के जो स्टेटमेंट्स होते हैं नॉर्मली हम लोग या तो इसमें कीवर्ड यूज करते हैं या कुछ करेक्टर यूज करते हैं, दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो प्रयोग में लाया जाता है किसी क्रिया को करने के लिए, जैसे कंपेरिजन करना है, अर्थमेटिक करना है, तो इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एक कंपेरिजन ऑपरेटर है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो अगर हम लोग अर्थमेटिक की बात करें तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, रिमाइंडर यानी मॉडुलस के लिए ये ऑपरेटर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने पीछे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखा है तो आप अच्छी तरीके से जानने होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है। अगर कंपेरिजन की बात करी जाए तो ये तुलना उद्देश्य के लिए होते हैं, इक्वल नॉट इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो ये कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। और अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करी जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर वह ऑपरेटर होते हैं जो बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ट्रू और फॉल्स के ऊपर ये अपना मूल्यांकन करते हैं, और इसमें हम लोग एक से ज़्यादा बुलियन एक्सप्रेशन को कनेक्ट करके कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। तो इनमें एंड, आर, नॉट, इन, बिटवीन, लाइक, ऑल, ये आपके कुछ ऑपरेटर हैं जो लॉजिकल में आते हैं। तो जो मैंने अभी फिलहाल आपको ऑपरेटर वगैरह बताया या डेटा टाइप बताया, जब हम लोग आगे प्रैक्टिकली यूज करने लगेंगे, SQL के कमांड्स हम लोग चलाने लगेंगे, तो उस स्थिति में इनका हम लोग प्रयोगात्मक यूज करके और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो का हमारा मकसद था कि आपके जो SQL के सिंटेक्स हैं इनका क्या पर्पज़ है, रूल है, वो बताना, और हमारे जो डेटा टाइप हैं उनसे अवगत कराना, जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनसे आपको अवगत कराना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तो उसमें आपको SQL के कोर्स चलाने सिखाए जाएंगे। उसके लिए मैं किसी एक DBMS का प्रयोग कर सकता हूँ, जैसे SQLite है उसका भी प्रयोग किया सकता है क्योंकि वो कम मेमोरी में जगह लेता है, तो मैं थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा SQLite को ही यूज करने के लिए। वैसे आप MySQL, Oracle, IB2 या किसी में भी SQL के कमांड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आता है, MS Office का पार्ट है, हम वहाँ भी जाके SQL के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, कल मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो फिर लेके उपस्थित हूँगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।